देश का सिरमौर कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी आखिर चाहती क्या है, ये अब तक किसी को समझ नहीं आया है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह खुद को जम्मू कश्मीर का हितैषी बताते हैं और सारा दोष कांग्रेस के सिर मंडते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी नेता राम माधव अनुच्छेद 370 हटाने का दावा करते हैं। जम्मू कश्मीर पर पार्टी नेताओं के ये बयान फिर से घाटी पर घमासान छेड़ते हैं। धरती की जन्नत जम्मू कश्मीर का अमन चैन वैसे ही छिना हुआ है कि बीजेपी वहां अपनी सियासत को धार देकर सूबे को और सुलगा रही है। अनुच्छेद 370 और 35A का जिक्र कर नई जंग छेड़ रही है। जी हां, अब तक मीडिया के सामने घाटी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले अमित शाह अब संसद तक इस मामले को लेकर पहुँच गए हैं। उन्होंने घाटी के हालात के लिए सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। शाह ने जैसे ही जम्मू कश्मीर का जिक्र किया उसके बाद तो बीजेपी की पूरी फौज घाटी में घमासान छेड़ने में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पंडित नेहरू भी कहा करते थे कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली आर्टिकल 370 और घिसते घिसते घिस जाएगी। उनके बयानों को लेकर पहले ही बवाल छिड़ा था कि अब पार्टी महासचिव राम माधव ने भी अनुच्छेद 370 को हटाने का जिक्र कर विवाद की लकीर को और बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हर हाल में खत्म होगी। नरेंद्र मोदी सरकार आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंग्रेजी के एक मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए राम माधव ने कहा, आर्टिकल 370 हैज टू गो लॉक स्टॉक एंड बैरल। ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिका में इस्तेमाल किए जाने वाले इस मुहावरे का अर्थ होता है पूरी तरह से। राम माधव ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को संसद में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था। हमारी सरकार कश्मीर से जुड़े सभी मुद्दों को सुलगाना चाहती है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे लागू किया था तो उन्होंने खुद कहा था कि यह अस्थायी है और जल्द ही खत्म हो जाएगा। बीजेपी की पूरी टीम जम्मू कश्मीर को लेकर पूरी तरह से कांग्रेस को कोसने में जुटी है। इसके पीछे की वजह वहां होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। दरअसल सूबे में अगले 6 महीने में चुनाव होंगे, जिसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से अपना एजेंडा तैयार करने में जुटी है। लेकिन घाटी में अनुच्छेद 370 और 35A का जिक्र छेड़ने से उसे नुकसान भी हो सकता है। DB लाइव की रिपोर्ट।